this could be good for back to my channel AR example. लास्ट वाले साउंड के वीडियो में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ साउंड वाउंड और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके आप लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए जो। और आज मैं आपको साउंड में सुपरसोनिक स्पीड और काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं शुरू करता हूँ, तो लेट्स गेट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा सुपरसोनिक स्पीड के बारे में। सुपरसोनिक से आप क्या समझते हैं? अच्छा गाइस, मैं पहले आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ सुपरसोनिक स्पीड होती है। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, तो जो हमारी डेफिनेशन है वो है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर The speed of an object moving faster than speed of sound is known as सुपरसोनिक स्पीड। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज सुपरसोनिक स्पीड। वो ऑब्जेक्ट्स जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा फास्ट मूव करे, मतलब सोनिक की स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड जो वो होती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई बहुत तेज जेट प्लेन हो, मतलब बहुत ही हाई जेट तेज जेट प्लेन हो, तो वो इतनी तेज मूव करे कि वो साउंड की स्पीड को पीछे छोड़ दे। मतलब कि साउंड की जो स्पीड होती है बहुत तेज होती है, जो साउंड की हमारी स्पीड होती है वो होती है हमारी 343 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो साउंड होती है इन वन सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन वन सेकेंड साउंड ट्रेवल्स 343 meters, मतलब 343 मीटर पर सेकेंड साउंड ट्रैवल करे। अब इससे तेज क्या चीज ट्रैवल करे, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर सोनिक स्पीड। उस स्पीड को हम लोग कहते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो इससे स्पीड से इस 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज जा रहा है, मतलब साउंड की स्पीड से तेज जा रहा है, इस स्पीड से 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज जा रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स को उसकी जो स्पीड होगी उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। जो हमारी विंड होती है, मतलब जो विंड होती है उस साउंड से तेज चलती है। और लाइट बहुत तेज, लाइट ईयर्स जो सुनते हैं, लाइट सबसे तेज होती है। जो लाइट ट्रैवल करती है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, कि मतलब कि करोड़ टाइम्स साउंड से, मतलब लाइट अभी तक की सबसे तेज है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब इनसेन। तो साउंड से जो लाइट की स्पीड होती है उसको तो हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे ही। और विंड हमारी वो भी बहुत साउंड से तेज चलती है, और बुलेट, जब गन से बुलेट निकलती वो भी बहुत तेज चलती है। ओके गाइस, वो भी उनकी जैसे गन की जो बुलेट की जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक हो गई, और जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो तो सुपरसोनिक स्पीड तो होती है, और विंड की स्पीड सुपरसोनिक होती है। ओके, जिनकी स्पीड साउंड से ज़्यादा हो वो सुपरसोनिक स्पीड, लाइट की सबसे ज़्यादा होती है स्पीड अभी तक की रिकॉर्डेड 30 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 30 करोड़ की स्पीड, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ रहे ना? ओके, ये समझ गए सुपरसोनिक स्पीड के बारे में, समझ गए? जो स्पीड साउंड से तेज मूव करे, जिसकी कोई ऑब्जेक्ट जो साउंड से तेज उसकी स्पीड है, उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। ओके, समझ गए? अब गाइस, शॉक वेव्स से आप क्या समझते हैं? जो शॉक वेव्स होती हैं
उसकी जो डेफिनेशन मैंने लिख ली है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, तो शॉक वेव्स की डेफिनेशन में पहले पढ़ता हूँ। शॉक वेव्स की डेफिनेशन होती है, शॉक वेव्स कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड इज कॉल्ड सोनिक बॉम्ब, एग्जाम्पल सुपरसोनिक जेट अ बुलेट। अब जैसे गाइस आपने देखा होगा जब कोई जेट उड़ता है या कोई बुलेट फायर होती है तो बूम ऐसे आवाज़ आती है ना, तो वही जो कैरी द यू, तो जब कोई चीज फायर होने वाली है कोई चीज उसमें आने वाली, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉक वेव्स कैरीज, तो उसको शॉक वेव्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लाउड, और फिर सर जब वो फटती है तो जो तो उस लाउड साउंड वही, और जो उसको हम लोग कहते हैं सोनिक बॉम्ब, जो उसका जो वो सारी एनर्जी, जैसे जैसे से गन को हम लोग जब लोड करते हैं तो काफ़ी एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है लोड करने पे, और जब हम लोग उसके ट्रिगर दबाते हैं फायर करते हैं तो आवाज़ आती है ना बूम ऐसे करके आवाज़ आती है, जो लाउड साउंड होता है उसको हम लोग सोनिक बॉम्ब कहते हैं, और जैसे सुपरसोनिक जेट जब फ्लाई होने वाले तो बूम ऐसे आवाज़ आती है, तो लाइक मैं आपको जैसे बुलेट फायर की आवाज़ ऐसी होती है ना, जैसे किसी ने बुलेट फायर किया तो इस तरह की आवाज़ आती है, ये देखिए अब समझे, तो जब इस तरह की जो आवाज़ आती है उसको हम लोग कहते हैं, जैसे जो आवाज़ है ये देखो इस तरह की आवाज़ देखना गाइस, जो इस तरह की आवाज़ होती है उसको कहते हैं सुपर, जैसे जब बुलेट की जो आवाज़ होगी, जो बुलेट फायर होने की आवाज़ होगी जैसे ये आली, उसको हम लोग कहते हैं सुपर सोनिक, सुपर सॉरी सॉरी शॉक वेव्स, और जो उसकी जो आवाज़ जब एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि जो सारी साउंड प्रोड्यूस लाउड साउंड जब प्रोड्यूस करती है एनर्जी, ये तो उसको सोनिक बॉम्ब कहते हैं। ओके, जब कोई चीज़ जैसे मोस्ट स्पीड में आने वाली है और वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे बुलेट किसी ने फायर किया तो बुलेट फायर करने बूम आवाज़ आती है, तो वो एनर्जी स्टोर जब बुलेट को लोड करते हैं तो काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जब फायर होती है तो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसको सोनिक बॉम्ब कहते हैं, और इसी प्रोसेस को शॉक वेव्स कहते हैं। ओके, समझ गए शॉक वेव्स के बारे में, ये सब बुलेट फायर सुपरसोनिक जेट और एक्स्ट्रा चीज़ों में होता है। ओके, समझ गए। सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ, हम लोगों ने शॉक वेव्स और सुपरसोनिक स्पीड के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे, तो वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले सो ओवर।